हमको भी जब लिफाफा खोले तो मिला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माथा ठोक लिया कि कौन विवाद हमको मिला है। हम सब लोग जाकर तो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, एक कहने के लिए कौन विभाग हमको आप दे दिया है। लेकिन जैसी एक दिन जाना रह गया, मांझी जी हम अपने कल्पना का विभाग आपको दिया है, ये मेरा सपना है। हमको भी जब लिफाफा खोले तो मिला माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, माथा ठोक लिया कि कौन विभाग हमको मिला है। हम सब लोग जाकर तो प्रधानमंत्री से मिल रहे थे, हम भी जा रहे थे मिलने के लिए, एक कहने के लिए कि कौन विभाग हमको आप दे दिया है। लेकिन जैसी एक दिन जाना रह गया, मांझी जी हम अपने कल्पना का विभाग आपको दिया है, ये मेरा सपना है। उस सपना को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी अम्बेडकर साहब की मूर्ति आप लगवाए हैं, पंच तीर्थ आप बनवाए हैं अम्बेडकर साहब के लिए। इंग्लैंड में उनका जो पढ़ने पठन करने का जगह थी उसको आप स्मृति के रूप में खरीद करके भारत सरकार बहुत अच्छा काम किया है, कर लिया है। लेकिन उनके कही हुई बात को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है? उनकी कही हुई बात थी कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान सबको शिक्षा एक समान। आज है नहीं है, कोई नहीं उठाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जीतन मांझी सिंपल भी एमपी रहता तो हम डंका की चोट से ही बात को उठाते और कहते कि साहब और नहीं तो अम्बेडकर का नाम लेना बंद कर देते, हम इतना कर सकते। आज हम कहेंगे नहीं कहेंगे, हमारा हमारे हमें मर्यादा रूपी ढाल लगा दिया गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी होती है, चर्चा करते रहेंगे तो रातों बीत जाएगा। भावात्मक रूप में आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम जानते हैं। हाँ, एक बात की चर्चा मैं जरूर कह देना चाहता हूँ कि आज अभी विरोधियों की बात इन्होंने बच्चे लोग गाना गाया, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं मेरे बच्चे। हमारा विश्वास है कि निंदक नियरे राखिए आगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो हम विरोधियों को भी उतना ही तरजीह देंगे या वो देते हैं जितना अपने लोगों को देते हैं। हमारे सामने जो हम हो गए हैं, पद ले लिया है, तो वही मुखिया का काम है जिसके बारे में रामायण ने कहा है कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, बंद हो गया। आभार व्यक्त करते हुए हम बाहर निकले, सब लोगों ने कहा भाई आप लकी हैं, आपको बहुत अच्छा विभाग मिला है, बहुत अच्छा विभाग मिला है। आज हम समझते हैं, जब सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा किया, सभी उसके डिवीजन के लोगों के साथ हम बैठे समीक्षा किया, तो आज हमको लगता है कि अगर ईमानदारी से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये जो आज बेरोजगारी की बात लोग कहते हैं, आज ये जो हर तरह से लोग अनेकों बातें हो रही है, गरीबी की बात कर रहे हैं, गरीबी मिट जाएगी। इसलिए हम तो समझते हैं कि हम पर बड़ा टास्क मिला है, हमको बहुत जिम्मेदारी मिली है, शायद परीक्षा ली जा रही है। हम सदा कहते थे ये जंगल है, जंगल जनित दक्षिणी क्षेत्रों में उद्योग होना चाहिए था, ये कृषि क्षेत्र है, कृषि संबंधी उद्योग होना चाहिए था, ये गया दक्षिणी बिहार हमारा सूखा है, उत्तरी बिहार में जल प्लावन होता है, इसको सिंचित होना चाहिए था। ये सारी बात हम कहते थे, वो सारी बात जो विभाग हमको नरेंद्र मोदी जी ने दिया है इसमें सन्निहित है, अगर हमको सहयोग मिलेगा तो ये सारी बातें हो सकती।